विद्वान आचार्य डॉक्टर बागेश शर्मा जी, हमारी सम्मान्य विदुषी बहन डॉक्टर राजबाला जी, देवबाला जी, भैया नीरज जी, सम्मुख उपस्थित बहन ज्योत्सना जी, माता जी, चाची जी, भैया प्रभाकर जी, विजय आर्य जी, हमारे उप प्रधान जी, अन्य सभी सम्मान्य आर्यजन, भ्रातृजन, माताओं, बहनों, अभी आप बहुत सुंदर जोश भरने वाला विचारों को आप सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा। इतनी दूर आप अमेरिका में रह करके इस प्रकार के भाव वहाँ के लोगों के बीच भर रही हैं, जन जागृति पैदा कर रही हैं और अपने पिताजी के जो स्वप्न हैं उनको आप साकार करने में पूर्ण प्रयत्नशील हैं, लगी हुई हैं, जान करके बहुत ही, आपकी वाणी को सुन करके बहुत प्रसन्नता हुई, आनंद हुआ। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का अनुभव करे और अपनी इस प्रकार की तैयारी से लोगों को जागृत करे, ये बहुत ही आनंद की बात है। पीछे ऋषि छंद और देवता पर चर्चा चल रही थी। छंद मैंने बताया था सात हैं, सात ही नहीं और बहुत से छंद हैं, क्योंकि 24 अक्षर की गायत्री है तो कभी वो 23 अक्षर की भी होती है, कभी 22 अक्षर की भी होती है, कभी उसमें दो अक्षर बढ़ भी जाते हैं। तो निश्चित गायत्री, भूरिक गायत्री, विराट गायत्री, ऐसे करके सभी छंदों के साथ और बहुत सारे छंदों की संख्या है।
और छंद वही नहीं है जिनको हम गायत्री उष्णिक अनुष्टुप ही मानते हैं। स्वयं वेद में, यजुर्वेद में कहा, वहाँ पृथ्वी छंद, अंतरिक्षम छंद, द्यौष छंद, अजाश छंद, गौष छंद, वाक छंद, मनस छंद, मन को भी छंद बताया, वाणी को भी छंद बताया, गौ को भी छंद बताया, अजा को भी छंद बताया। तो इन सबको देखते हुए छंद का जो अपना अर्थ है कि आच्छादित करना, हम जिससे आवृत हैं, आच्छादित हैं, उन सभी पदार्थों को छंद शब्द से संबोधित किया जा सकता है। ज्ञान को भी छंद कहा, माँ छंद, प्रमा छंद, प्रतिमा छंद। तो ज्ञान भी मेरे लिए, क्योंकि हमें वो ज्ञान से आच्छादित करता है और एक उद्देश्य के लिए प्रेरित करता है, इसलिए ज्ञान को भी छंद कहा। ये जितने पशु पक्षी हैं, पशवः छंदांसी कहा है कि जो पशु हैं वे भी छंद हैं, क्योंकि इनके द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा होती है। इन्होंने हमारे समाज को, पर्यावरण को अपने अपनी विशेषताओं के साथ आच्छादित किया हुआ है, क्या आच्छादित किया हुआ है। और इस चीज को समझते हुए है ना, हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। देवों की चर्चा मैं करना चाहती हूँ थोड़े से समय में। देव, देवता कि ऋषि छंद के बाद किसी भी मंत्र, सूक्त और अध्याय के विषय में इसका देवता क्या है। देवता का अर्थ है उसके द्वारा प्रतिपादित, प्रतिपाद्य जो विषय है, या तेन उच्यते सा देवता कहा गया है। यानी जिसे हम आज की भाषा में निबंध लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो उसका जो शीर्षक डालते हैं वो उसका अपने ऋचाओं में उसको देवता शब्द से संबोधित किया है। और कहा कि यत् काम ऋषि यस्याम देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयुंक्ते तद दैवतः सह मंत्रो भवति। कि जिस कामना वाला होकर के जो ऋषि हैं, मंत्रों के अर्थ का उसने दर्शन किया है, तो वो जिस कामना वाला होकर के कि इस मंत्र का ये अर्थ हो, उसके अर्थ आर्थपत्य को माने ये इस अर्थ का स्वामी बने, ऐसा चाहता हुआ वो जिसको विषय के रूप में जिसको प्रस्तुत करता है, वही उस मंत्र का देवता हो जाता है। जैसे पीछे हमने सप्तऋषयः मंत्र मैंने उद्धृत किया था, तो उसमें उसके अलग अलग प्रकार से कि ऋषि का अर्थ इंद्रियां भी है, ऋषि का अर्थ रश्मियां भी है, ऋषि का अर्थ हमारे जो पंच महाभूत हैं और ये हैं ये भी हैं, तो उनके अनुसार उसी मंत्र के ये अलग अलग देवता हो सकते हैं। कि यहाँ पर आदित्य की स्तुति की गई है और यहाँ पर आत्मा की, शरीर की स्तुति की गई है, यहाँ पर ये पंच महाभूतों की स्तुति की गई है, तो उसी के अनेक, एक ही मंत्र के अनेक देवता यानी अनेक विषय हो सकते हैं। और वो हमारी सूझबूझ पर निर्भर करता है। और उसके लिए कहा गया है जो ऋषि हो, तपस्वी हो, उसी को अधिकार है, जो ध्यान में बैठता है, समाधिस्थ होता है, कि वो उस मंत्र से अनेक प्रकार से अर्थ निकाल सके। सात ऋषि का अर्थ सात विभक्तियां भी हो सकती हैं, यज्ञ परक भी अर्थ हो सकता है, शब्द परक भी अर्थ हो सकता है। तो जहां जहां वो सात संख्या घटती है, उस प्रकार के अर्थ उसमें घटित हो सकते हैं। तो एक ही मंत्र के अनेक देवता हो सकते हैं। और महर्षि ने ऐसे अनेक मंत्रों के जो पहले से देवता सुनिश्चित थे, उससे पहले के भाष्यकारों ने अर्थ उनका दर्शन किया था, लेकिन महर्षि ने उसके देवता बदल करके और नए अर्थ कर दिए। वाचक लुप्तोपमा अलंकार के द्वारा, उसी मंत्र के द्वारा जहाँ पर उषा की चर्चा है, नक्ता रात्रि की चर्चा है, उसको महर्षि ने स्त्री परक अर्थ कर दिया, विदुषी देवता बना दिया, कि यहाँ पर एक विदुषी नारी की चर्चा है, तो ऐसा भी होता है और वो किया गया है, जो कि विद्वान लोग ही कर सकते हैं। देव, देवों की पहचान क्या है, ये आचार्य यास्क के शब्दों में कि देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा दिहु स्थानो भवतीति वा।
जो भी दानादि गुण से दान गुण से युक्त है वो देव कहलाने योग्य है। जो भी दीप्तिमान है प्रकाशमान है वो देव कहलाने योग्य है। द्योतनाद्वा जो दूसरों को प्रकाशित करता है स्वयं प्रकाशमान है वो देव कहलाने योग्य है। अथवा कहते हैं द्युह स्थानों जो द्युलोक है वहाँ पर तो सभी प्रकाशमान हैं सभी ज्योतिषमान हैं। छोटे छोटे हमको जो नक्षत्र यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो नक्षत्र नहीं वहाँ तो बहुत बड़े बड़े हैं। तो वे सब अपने आप में स्वयं प्रकाशमान होने के कारण से कहते हैं वे सब क्या हैं देव हैं। और उनके देवत्व को उनका जो देवत्व है वो मुख्य रूप से वो दान गुण के कारण से है। वो जितना भी ब्रह्मांड में परमेश्वर ने चीज़ें रखी हुई हैं उन सब की उपयोगिता इस ब्रह्मांड के प्राणियों को मनुष्य प्राणी मात्र को पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु हैं उन सब के लाभ के लिए उनके सुरक्षा के लिए संरक्षण के लिए उन सब की वहाँ पर स्थापना की गई है। निरुक्त के दैवत कांड में बहुत सी चर्चाएं आती हैं और वहाँ पर वो कहते हैं कि हम किसको देव माने। वहाँ पर तीन देवता मुख्य रूप से बताए तिस्रैव देवताः नैरुक्ताः कि निरुक्त जो पढ़ते हैं वो तीन ही मुख्य रूप से देवता मानते हैं। मुख्य रूप से तीन लोक हैं तो उनके मुख्य रूप से तीन ही देवता माने गए हैं। वे तीन देवता कौन से हैं कहते एक सबसे पहला ये पृथ्वी स्थानीय पृथ्वी लोक का देवता है कौन अग्नि और अंतरिक्ष लोक का देवता है वायुर्वा इंद्रोवा अंतरिक्ष स्थान वायु अथवा इंद्र। इंद्र का अर्थ है विद्युत जो कि अंतरिक्ष में रहती है तो वायु अथवा विद्युत को ये दूसरा देवता माना है जो कि अंतरिक्ष स्थानीय है। और तीसरा देवता है द्युस्थानीय उसका मुख्य देवता है सूर्य। इन तीन देवों के फिर इसके बाद इन देवों के अनेक अंग प्रत्यंग के रूप में मरुतः पर्जन्य और क्या क्या बहुत सारे वर्णन आते हैं तो उनको कहा ये सब उस देव के ही महाभाग्या देवतायाः एक आत्मा बहुधा स्तूयते। ये जितने भी देव हैं वस्तुतः इनका एक ही इस संसार का देवता है जो कि सबके द्वारा पूजनीय है सबके द्वारा मननीय है और ध्यातव्य है। लेकिन फिर इनको देव क्यों कहा कहते हैं ये सब उस परम जो परम प्रभु है ईश्वर है जिसका अपना निज नाम ओम है ये उसके महान ऐश्वर्य का आख्यान करते हैं जिसे एक शब्द से हम समाहित नहीं कर सकते हैं। उसके इतने गुण हैं इतने कर्म हैं इतने ऐश्वर्य हैं कि उसको एक शब्द से प्रतिपादित करना संभव नहीं है। तो ये सब देव जिनको हम विभिन्न देव कह रहे हैं ये सब वस्तुतः उस ईश्वर के ही अंग प्रत्यंग हैं उस ईश्वर के ही ऐश्वर्य हैं। तो हम मूल रूप में हमारे जो अपनी ऋषि परंपरा है उसमें मूल तक पहुंचा देना सूक्ष्मता से मूल को जान करके सूत्र को जान करके फिर उसका विस्तार जानना तो सूत्र रूप में कहा जाए तो सबका एकमात्र जो देवता है वो एक है ओम इत्येतत् वो ओम ही है। लेकिन बाकी सब वो उसके विस्तार हैं वो उसके ऐश्वर्य के प्रतिपादक हैं वो इस ब्रह्मांड में जो परमेश्वर ने ये स्थापित किए हैं ये उनकी चर्चा है। इस ब्रह्मांड रूपी शरीर का वो देवता है तो देवता होने के कारण से वो उसके अंग प्रत्यंग की किसी की भी प्रशंसा की जाए तो मानो वो उसी की प्रशंसा है उसी का आख्यान है। यदि सूर्य परमेश्वर की आंखें हैं और सूर्य की चर्चा आती है सूर्य के गुणों का वर्णन है कि सूर्य से हम क्या क्या जान सकते हैं क्या लाभ ले सकते हैं तो ये सूर्य उसकी आंख होने के कारण से यानी परमेश्वर का ही उसमें प्रतिपादन है और उसी के ऐश्वर्य का वर्णन है। अग्नि यदि परमेश्वर की आंख है तो वो अग्नि यानी परमेश्वर का ही स्तवन हो रहा है। तो इस प्रकार से जितने भी देव हैं वे सब देव
उस परमेश्वर का ऐश्वर्य है जिसके लिए वेद में भी स्पष्ट शब्दों में कहा, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहुः अथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वानमाहु। कि इंद्र मित्र वरुण अग्नि और दिव्य सुपर्ण गरुत्मान ये सब नाम उस परमेश्वर के ही हैं। महर्षि देवदयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में ईश्वर के 108 नामों की व्याख्या लिखी है और वे सारे 108 नाम ईश्वर परक घटित होते हैं। वे सब ईश्वर के ऐश्वर्य का ही आख्यान कर रहे हैं जिनको हम ऋचाओं में अलग अलग देवता के नाम से जानते हैं। तो समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। देवता यानी उस ईश्वर के ऐश्वर्य का प्रतिपादन है जिसमें सारा ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है, संपूर्ण पदार्थ विद्या भरी हुई है हमारा, उसको हमें जानना चाहिए। और देव के नाम से हमने देव सुना तो देव पूजा करने का मतलब सबकी पूजा एक जैसी नहीं होती है। हम चेतन देव की पूजा अलग होती है, जड़ देव की पूजा अलग होती है। चेतन देव माता पिता अतिथि आचार्य इत्यादि हैं, उनकी पूजा, उनको अच्छी प्रकार से भोजन अन्न फल रस वस्त्र इत्यादि से उनका स्वागत सत्कार अलग प्रकार से है। और ये जो जड़ देव हैं उनकी पूजा यही है कि उनसे हम यथोचित लाभ को लेवें, उनके गुणों को जान करके उनकी महिमा को जान करके उनसे उसी प्रकार से हम नाना प्रकार के ज्ञान विज्ञान की उन्नति करें, हम सांसारिक ऐश्वर्य को भौतिक ऐश्वर्य को बढ़ाएं आवश्यक। तो ये उसका उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।